पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र, कई लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति और एक कार बरामद की है। कार पर उत्तराखंड सरकार का बोर्ड और हूटर भी लगा हुआ था। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि सरकारी नौकरी के नाम पर 35 लाख की ठगी करने वाले आरोपी अजय साहनी उर्फ इंद्रजीत साहनी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया गया कि आरोपी पर इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। वादियों को ढूंढा जो प्रताड़ित थे उस गांव में जाके, काफी लोग मिले हमको। एक वादी आके तहरीर दिया, उसके आधार पर एक और फ्रेश एफआईआर पंजीकृत किया हमने 21/2023। उसने 35 लाख रुपए दिए उद्यान विभाग में नौकरी लगाने के नाम पे, और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया उद्यान विभाग का। वो नौकरी था ही नहीं, वो पोस्ट भी नहीं था, वो फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी फर्जी, नौकरी भी फर्जी। और ये आराम से घूमता रहता है, कभी कभी एक एक गाँव में दिखता रहता है और लोगों को वो बहलाता फुसलाता रहता है। तो हमने इस अभियोग के पंजीकृत के बाद विभिन्न टीमें लगाई थी। ये हालांकि भुगत हो गया था, काफी मशक्कत के बाद कडीमा की टीम ने इसको पकड़ के अरेस्ट कर दिया।